सच और झूठ में कितना फर्क होता है? मेरे ख्याल से सच और झूठ में सिर्फ एक यकीन का फर्क होता है। अगर हम किसी बात पर यकीन करते हैं तो वो सच है, और अगर हम उस बात पर यकीन नहीं करते तो वो झूठ है। और ये यकीन करना हमें कहां से आता है? जाहिर सी बात है, हमारी सोच से, हमारी समझ से। और ये सोचने समझने की क्षमता हमें कहां से मिलती है? स्कूल्स, कॉलेजेस, हमारा समाज, और उससे भी ज्यादा 24 घंटे चलने वाले इन खबरिया चैनल्स, अखबारों से, सोशल मीडिया से। मतलब कहते हैं कि अगर 100 बार झूठ को भी कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। और राम उद्गार त्रिवेदी उत्तर प्रदेश मामले में यही हुआ। एक घटना, दुर्घटना कहें तो ज्यादा मार सकता, जिसमें 3 लोग मारे गए, और तफ्तीश होने से पहले ही हमारे मीडिया ने फैसला सुना दिया। बाप ने लिया अपनी बेटी के रेप का बदला। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी को ऐसा लगा कि मजबूर बाप अपनी बेटी के रेपिस के साथ कुछ ऐसा ही करेगा। इसीलिए जैसे जैसे कोर्ट का ट्रायल आगे बढ़ा, लोगों का यकीन इस बात में और पक्का होता गया कि अगर कोई हत्यारा है तो सिर्फ राम उद्गार त्रिवेदी ही। मानो पुलिस इंस्पेक्टर्स, गवाह, ये कोई दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है, और उन्होंने भी पूरे यकीन के साथ उसी बात को सच माना जो कि चर्चा में थी। कई बार हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इस केस में भी वही हुआ है।